मार्क द लोकेशन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों का? ठीक ठाक होना, खैर से होना, मज़े से होना। फिलहाल यहाँ बिना आपके भाई ने इस मैच में बहुत ज़्यादा क्लचेस करने हैं और आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी भी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। अच्छा यार, अगर थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर सी लगे ना तो मेरा गला ख़राब है, तो थोड़ी बहुत गुजारा कर लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ भी आपके भाई ने सीधा पुश करवा दिया बंदे के ऊपर। एक भाई को तो मुरी लग भी जाती है, तो मैं ना इसको यहाँ पर नॉक कर लेता हूँ। दूसरा बंदा भी अंदर होता है, तो सीधा पुश करवा के ना इस भाई को भी यहाँ पर पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बंदों को तो दो नॉक किया, लेकिन आपके भाई को यहाँ पे फ्री के तीन तीन किल मिल जाते हैं। अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये वाला तो बिल्कुल ट्रेलर था। आगे आगे जो क्लचेज आने वाले हैं ना, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे ना मैं सामने एक बंदा होता है जिसको मैं ना इजीली नॉक करता हूँ। ये भाई ग्रेनेड करवा रहा होता है, मैंने इसको यहाँ पर जाकर फिनिश करवा देता हूँ। मैंने कहा यार जाकर फिनिश करवाते हैं। उतनी देर में भाई सब यहाँ पर एक अदर स्क्वाड का पुश आ जाता है। ये चार के चार भाई जान हमारे ऊपर अन्य पुश करने वाले हैं। यहाँ एच पी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जो आप लोगों ने इंट्रो में देखा, और भाई लोग ज़रा तारीफ भी करेंगे, वो भी आपको सारा कुछ सुनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पूरे स्क्वाड का पुश आ रहा है, आप लोग सीन एंजॉय करो। Mark the location. खैर उन भाइयों को फिनिश कराने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगेन से क्लच होने वाले आपके भाई का। एक मैच में तीन तीन क्लचेस निकले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सामने से पूरा स्क्वाड आ रहा होता है, मैंने एक बंदे को डाउन किया, दूसरा बंदा इनका पहाड़ी के ऊपर होता है, जो कि अच्छा स्प्रे देता है, काफ़ी डैमेज भी दे देता है। लेकिन ना मैं इसको इसी तरीके से नॉक कर लेता हूँ। जल्दी से अंदर जाकर ना एक अदर हम शीशी ये पी लेते हैं। पता नहीं कौन सी बूटी वाली शीशी दे दी है पबजी वालों ने। खैर यहाँ पर मैं इसको खा पी लेता हूँ और इतनी देर में जंप करता हूँ। खैर इस भाई का जो माइक होता है ना, वो आल पे होता है, लेकिन भाई का कोई रिएक्शन ही नहीं आता जब मरता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात पे। फिलहाल आपका भाई यहाँ पे सीधा सीधा लैंड होता जाता है। यहाँ पे ना मैं लेने वाला रिवेंज बंदों के ऊपर। ये भाई का कराना चाहता है, यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ना मैंने दे दी। नाम भाई का योर कुछ करके है, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आई। मैंने वैसे देखा नाम, लेकिन समझ नहीं भाई का नाम क्या है। ये भाई अगेन से हमें शॉटगन उठा के आ जाते हैं, तो मैं भी इनके लिए बहुत प्यार खड़ा होता हूँ। यहाँ पर ये भाई साहब मुझे ट्राई कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मेरा भी एम बिल्कुल ख़राब हो गया की वजह से, और भाई का भी एम बिल्कुल चिपकाना। एक बोली भी टच हो जाती तो आपका भाई लॉबी की तरफ भाग जाना था। यहाँ पे इन दोनों बंदों को मैंने जैसे ही फिनिश किया, इनका तीसरा बंदा भी आ जाता है, तो मैं इतनी देर में ना जल्दी से किट मार लेता हूँ। मैंने कहा किट मार लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ पूरी कर लेते हैं। भाई ये बंदा कोई इलाके में निकल के आया होता है, इसको ना मेरी लोकेशन ही नहीं पता चलती, इसलिए कहा कि भाई अच्छे तरीके से ना अच्छे हेल्थफुल इस्तेमाल किया करो। यहाँ पर इन सबको मैंने जैसे ही फिनिश कराया, इनका चौथा बंदा भी यहीं पर होता है। भाई वो भी बंदा नहीं है, बंदी है, एक इनकी लड़की होती है। मेरी एके बिल्कुल भी एमो नहीं होती, एज यू कैन सी बिल्कुल 14 गोलियाँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ से ना आगे यहाँ पे उठाता हूँ। इतनी देर में इनकी लड़की भी यहाँ पे पुश दे देती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। यहाँ पे इसको बिल्कुल नॉक और सॉरी फिनिश ही कर देते हैं, इनका पूरा स्क्वाड मर चुका होता है। तो मानूर जी को भी हम लोग नूबी भेज देते हैं इनके टीममेट के साथ साथ। लेकिन खैर इतनी देर में ना यहाँ पे एक और स्क्वाड का पुश आ जाता है। मैंने यहाँ पे होल्ड करके बैठा होता हूँ यार चलो आ जाएंगे तो ईजीली इनको पकड़ लेंगे। भाई ये लोग अच्छा खासा ग्रेनेड करवाते हैं मेरे ऊपर, एच पी बिल्कुल लो हो जाती है। अभी तो ये बेस बिल्कुल भी लो नहीं है, मैं बिल्कुल एक एच पी बचने वाला हूँ। यहाँ पे पिछले दिन का एक और बंदा पुश देता है, काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया इस बंदे ने भी। लेकिन खैर आपका भाई ना इनको भी किसी तरीके से ले लेगा। यहाँ पे सामने से बंदे पुश दे रहे हैं, राइट साइड पे इनका एक और बंदा है, तो मैं यहाँ पे ना पावर इस्तेमाल करके पीछे वाले घर में नस जाता हूँ। मैंने कहा भाई इससे पहले कोई पकड़ ले आपका भाई, यहाँ से तितर बितर हो जाता है। यहाँ पर मैं आता हूँ, लेकिन ना ये बंदे पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते, ये कह रहे होते हैं कि आपके साथ भी हमने पूरी गेम खेली है, तो मैं भी इनका वेट कर रहा होता हूँ। खैर यहाँ पर एक बंदा तो इनका टिकट पुश करवा देता है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन ज़्यादा डैमेज तो मैं ही हो जाता हूँ। खैर ये भाई भी पुश कर देते हैं, तो मैंने इसको भी यहाँ पर नॉक करके फिनिश कर देना है। मैं इनको एक एक करके फिनिश कर रहा था, क्योंकि ये स्क्वाड बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, तो मैंने कहा यार मतलब साइड से ना पड़ जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो फिनिश दे लो इससे पहले मेरा क्लोज इनकाउंटर ख़राब हो जाए। आपका भाई साहिवाल #4closeencounter पर बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए भी। यार इनका जो तीसरा बंदा होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक होता है, सामने ऊपर आके बैठ जाता है, ये बिल्कुल कुछ भी दे रहा होता। खैर किसी तरीके से इसको भी यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ, इनके ऊपर भी 1v3 हमारा हो जाता है। आते अपने नेक्स्ट कोडा
साइड की तरफ, यहाँ पे ना एस स्टार भाइयों के पर आपके भाई का क्लच होने वाला है। आपने जैसे ही उनका किल मैसेज देखा, मैंने वैसे इनको मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे इनका मैंने एक बंदा डाउन किया, दूसरा बंदा सीढ़ियों से आता है, इसको भी यहाँ पे नॉक करता हूँ, इसको मैं फिनिश करवा देता हूँ। इसका मुझे नहीं पता था इनका तीसरा बंदा यहाँ पे, जैसे मैंने इसको फिनिश कराया मुझे तब पता चलता है इनका तीसरा बंदा सामने है। तो खैर यहाँ पे जल्दी से किट मार लेते हैं। जैसे मैं किट मारता हूँ एस स्टार भाई को, मैं एक ही मशवरा दूंगा भाई, अच्छी हैंड फ्री इस्तेमाल किया करो। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, अच्छी हैंड फ्री से आप लोगों का गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, तो अच्छी बात है, अच्छी हैंड फ्री इस्तेमाल किया करो। खैर एस स्टार भाई जन को यहाँ पे हम लोग दोबारा से फिनिश भी करवा देते हैं, क्योंकि इनको मैंने इवेंट पे भी मारा होता है। खैर आते हैं अपने नेक्स्ट कोड वाइप की तरफ। यहाँ पे ना ये बंदे सारे के सारे आईसीवाई लोगों का साथ फाइट होती है, और यार ये बंदे शॉटगन से मेरे टीममेट को फिनिश करवा जाते हैं। तीन बंदे हो, सॉरी चार टोटल बंदे हो, चार के चार ही शॉटगन चला रहे होते हैं, तो मैं से ना थोड़ा पीछे भाग जाता हूँ, फॉल बैक करता हूँ। इनका एक बंदा यहाँ पे पुश दे देता है, तीन बंदे पुश देने वाले हैं, लेकिन ना एक किल मेरा चोरी हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। खैर यहाँ पे ना इनका एक बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे पैनिक हो जाता हूँ, क्योंकि यार शॉटगन आपको पता है एक लगती है और बंदा यहाँ पे सीधा ग्लोबी भाग जाता है। खैर ये बंदा तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कब इनका चौथा बंदा यहाँ पे मेरे पर पुश देगा, लेकिन इनका चौथा बंदा यहाँ पे चेक करो कहाँ से आया, कुछ समझ नहीं आई। खैर यहाँ पे इनके ऊपर तो आपके भाई का स्क्वाड अब इजी डन हो जाता है। आते अपने नेक्स्ट स्क्वाड वाइप की तरफ। यहाँ पे ना आपका भाई मोली के सर के ऊपर ना पूरा स्क्वाड वाइप करने वाला है। हमने मैंने ग्रेनेड फेंका, एक भैया नोक हो जाते हैं, दूसरा ग्रेनेड फेंका, कुछ नहीं होता। मैं ना सीधा फिर मोलियाँ करता हूँ कि यार चलो मोलियों से बंदे नोक करते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे नोक नहीं होते, बैठा पूरा का पूरा स्क्वाड ही डेड हो जाता है मेरी मोलियों के ऊपर। यहाँ पे आप लोग किल मैसेज चेक करो, एक बंदा, दूसरा बंदा और तीसरा बंदा, ये तीन के तीन बंदे यहाँ पे मुझे किल मिल जाते हैं। ये रही हमारी सेंसिटिविटी, आप लोगों को आई होप पसंद आएगी। जितने भी मैच आप लोगों ने देखे हैं सारे एम असिस्ट ऑफ पे ही देखे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, सारा अपने आपके भाई का कमाल है। तो वीडियो का लाइक करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना।